अभी कुछ 6:20 हो गए हैं, तो उठा हूँ, देखा तो पैसा बारिश पड़ी हुई है काफी, चीकर हल्का सा बना हुआ है, बादल ही बादल है, हल्की हल्की हवा चल रही है, परिंदे देखे एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत मेहरबानी। अभी सुबह का टाइम है और ब्रश डेली करता हूँ, ब्रश करा के दांत वगैरह मजबूत रहते हैं। अगर वेड़े में देखा जाए तो देखें हल्की हल्की मिराज में, भाई साहब गर्म पानी का बेहतरीन इंतजाम, मोटर चला दें और इस्तेमाल करें, पानी गर्म ही निकलता है। यहाँ सीमेंट इफ्सोमान से पड़ा है तो, और बजरी भीग गई है, सीमेंट बच गया। सड़कों का कुछ ये हाल है, अभी तो कुछ बेहतर है लग रही इधर वाली भी, और जो इधर है जहाँ पर मैंने जाना कॉलेज, ये भी कुछ बेहतर है। भाई साहब तैयारी हो गई है, बाइक का स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक को छोड़ने गए हैं साकब भाई को, क्योंकि उनका साइकिल काफ़ी ख़राब है तो पंक्चर वगैरह, उसका टायर न्यू डलेगा, वो भी वो गए हुए हैं इंतज़ार पे। हमें बजरी की धुलाई करनी नहीं पड़ी, अल्लाह ताला ने कर दी है, पहले काफ़ी धूल थी, कल उड़ रही इसमें से, अभी देखें सारी साफ़ हो गई, और रेत भी भाई तो नहीं आ रहे तो ठीक है। तो भाई का इंतज़ार कर कर के भाई साहब वो तो अभी वहीं पर मेरे घर में बैठ गए हैं, तो मैंने बड़ा बाइक निकाल दिया अभी स्पेशल। ज़्यादा मसला पीछे ही होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी खड्डे वगैरह हैं, आगे जो है सड़क काफ़ी उन्होंने अच्छी बनाई हुई है, खुली सड़क है साफ, तो इस पर इंशाल्लाह ठीक ठाक ही जाएंगे। तो अभी काले से छुट्टी हुई है, बारिश शुरू हो गई है, तो भाई साहब रास्ते में देखें कितनी ज़्यादा, तो अभी कुछ रुका हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी हल्की हो जाए फिर निकलता हूँ, देखें हो रही है मुसलसल। अगर 2-4 रुक जाती तो फिर पहुँच जाना था मैंने तो, लेकिन एकदम से तेज़ हो गई सिटी से। तो भाई साहब किसी तरह निकल आया हूँ, तो अभी कच्ची सड़क आगे मुझे मिलनी है, तो देखें जी अभी हल्की हल्की पड़ रही है, पहले से कुछ कम हो गई है, तो मेरे ख्याल में पहुँच ही जाऊँगा, अभी निकलता हूँ यहाँ से भी, बारिश का भी कुछ पता नहीं चलता, अभी धूप निकली हुई है और हल्की हल्की कनियाँ पड़ रही हैं, तो ये तो सड़क वो कुछ जारी तक ठीक होगी, आगे मसला होगा भाई। तो भाई साहब बारिश कुछ रुक तो गई है, अभी बहुत ही कम कनियाँ गिर रही हैं मेरे ऊपर, मुझे लग रहा है रुक गई है, मेरे ख्याल में वहाँ पर तेज़ है जहाँ पर थोड़ी है, इस तरह का कोई मसला है या फिर वैसे ही रुक गई। पहले एक बार से कुछ कनियाँ स्टार्ट हुई तो मैंने कहा भाई साहब अब नहीं बचना, तो शुक्र है बच गया, कच्ची पे आया ही हूँ तो रुक गई है, अभी ठीक ही है तकरीबन, नहीं तो सारा चूकर ही होता है ज़्यादा पड़ जाए तो, ये अल्लाह का शुक्र है कि निकल आए हूँ, पीछे थोड़ा सा ख़राब था तो बाकी तो अभी ठीक ही है, अभी आ गए घर आ गया है तकरीबन। ये सारी कैसे बखेर दी है भाई साहब? याद नहीं, मैंने फेंकी सी चेरियाँ लगाई थी तो अभी बखेर दिया किसी ने, तो ये ऐसे ही बखेरनी है, फिर हल वगैरह चला के जो है इसमें तंबाकू लगाना है। तो भी घर आ चुका हूँ, अजान हो रही, पहले कैसे बारिश वाला मौसम बना हुआ था, अभी माशाल्लाह कैसी धूप प्यारी निकली हुई है, सूरज और बादल अभी भी कुछ कुछ ऊपर ही हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, सूरज काफ़ी अच्छी धूप लग रही है। तो भाई साहब सुबह से ये हिसाब है, कभी धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं, अभी बादल दोबारा से आए हुए हैं, तो अभी कुछ देर पहले मैं बाहर खड़ा था तो धूप अच्छी खासी थी, तो मेहमान गए हुए थे भाई साहब चाचू के बेटे और बाकी तो भी आए हैं गाड़ी पे, तो बच्चों की जो नानी का घर है वो थोड़ा दूर है तो वहाँ पर अभी गए थे, अभी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि 2-3 रह गए हैं चाचू की फ़्लाइट में, तो फिर भाई साहब ये तो धुलाई हो गई है, अभी सफाई हो गई बिल्कुल, पहले काफ़ी ज़्यादा धूड़ मिट्टी थी और ये भी बैठ गई वैसे की वैसे ही, और ये धूड़ मिट्टी भी अभी देखें धूप में कैसे चमक रही है सारी, तो जो ये साइडों पर मिट्टी लगाई थी पहले तो ये वैसे ही उड़ रही थी, तो अभी बारिश पड़ी है तो पक्की हो गई है एक बार, तो अभी धूप लगेगी तो फिर ये कभी नहीं हिलेगी, पक्की हो जाएगी यहीं पर ही माशाल्लाह, क्योंकि कोई रेड़ी वगैरह ऊपर से नहीं गुजरी, अगर गुजर जाती तो फिर चूकड़ बन जाना था कीचड़ जानी, तो अभी कुछ नहीं गुजर रहा तो पक्की हो गई है। तो अभी भाई साहब इस साइड पे आए हैं तो हवा चलना भी स्टार्ट हो गई है, अभी सब ही देखते हैं लियाँ भाई साहब दे पते यानी कि जल्द जल्द पके जा रही हैं, और बाकी जो है कुछ गोबर वगैरह यहाँ पर मैंने टेरियाँ लगाई हुई थी पैंसों का जो है, अभी भाई लोगों ने वो बिखेर दिया, कुछ वहाँ से और फेंक दिया, तो अभी बदबू भी काफ़ी आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है तंबाकू लगाना है तो तंबाकू के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़मीन ताकत वाली होगी, ये इसका इतना ही असर होगा जितना खाद का होता है, अभी इसमें काल भाई हल चलाएंगे तो फिर ये फुल मिक्स हो जाएगा, अभी तो सिर्फ बखेरा ही है, फिर भाई साहब मूली और शलजम तोड़े हैं, अभी इतना दिल भी नहीं करता क्योंकि खुद की चीज़ है, अगर
बाजार से लानी पड़े तो फिर बंदा कहता है भाई खाओ खाओ ऐसे। मक्खी जो है एक लेने आई है जी शहद इनसे, ये मेथरे हैं इनसे शहद लेने आई है। पहले से सब्ज़ी काफ़ी खिल उठी है क्योंकि बारिश पड़ी है, तो फिर बारिश से ऊपर से तुलाई भी हो गई और पानी भी काफ़ी, तो भी जो आलू हैं वो ही रह गए हैं पकने। इसके अलावा मटर भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से फलियां स्टार्ट हो गई हैं लगनी है। दे देखें और भी आगे भी हैं कुछ कुछ फलियां लगी हुई हैं, तो भी ये कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे। फलियां लगनी स्टार्ट हो गई हैं, काफ़ी बन गई हैं ऊपर। अभी मूली और शलगम लेकर आ गया हूँ तुलाई करके, नलका बन गया तो काफ़ी फ़ायदा हो गया है। तो भाई साहब यहाँ पर ही तुलाई कर लेता हूँ और यहाँ पर खा के चला जाऊँगा अंदर। छिलके भी मुंह से उतारना ही अच्छे हैं, नहीं तो छुरी लानी पड़ेगी अंदर से फिर रखो फिर। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है और अभी हवा चल रही है, धूप माशाल्लाह भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है। और देखें यहाँ पर बारिश से क्या हाल हो गया, यहाँ पर भी पैंसे आज अंदर ही बांधी थी क्योंकि बाहर भी काफ़ी चूकड़ था, तो सोचा यहाँ पर ही बैठी रहेंगी। फिर पक्की जगह तो इसका कोई इशू नहीं है, ये साइटों पे अभी है, हवा वगैरह लगेगी तो ये सूख जाएगा। बाकी धूप भी लग रही है सामने से तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर गुलाब के पौधे लगाए थे तो देखें जी सूख फूक गए हैं ये भी और ये भी, क्योंकि पानी डालते हैं तो नीचे चला जाता है, वही हिसाब हो गया। पहले पूजा ने निकाल के कूटा था तो फिर वैसा ही हो गया है। फिर देखें सूख गए पत्ते भी। और मेरा एक फ्रेंड जो है वो गुड़ वगैरह बनाते हैं तो उसने शक्कर दी थी कुछ, तो वहीं पे खा लिया, अभी कुछ बाकी है तो भाई को देते हैं जाकर। तो भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं धूप पे सामने। ला यार माशाल्लाह की शाय माशाल्लाह चेक करो, देखें जी बोतलें कितनी इकट्ठी हो गई हैं, थैला पूरा इकट्ठी करते रहते हैं, जो भी पीने वाली बोतल लाते हैं कोक वगैरह की जो भी इकट्ठी करते रहते हैं भी काफी थैला पर। मूलियां नहीं होती तो इनकी कितनी कदर होती है, अभी देखें कितनी पड़ी हैं, कुछ तो इनमें से खा लेंगे, बाकी ये वेस्ट जानी है, बकरियों को डालनी पड़नी है, यहाँ पर ही पड़ी हैं। पहले जब भी बाहर से कोई आता था तो इस तरह का गैलन लेकर आते थे नेस्ले पानी का, तो फिर इसके बाद सोचा है हमने भी कि कोई ना कोई फ़िल्टर वगैरह का सिस्टम हो, भी फिर खुद ही फ़िल्टर लगाया हुआ है तो भाई साहब काफ़ी अच्छा वर्क करता है, तो भाई फ़िल्टर का पानी वो भी पी लेते हैं। तो ये एक लेकर आए थे, उसके बाद फिर उन्होंने कहा रहने दे फ़िल्टर का ही पी लिया करेंगे उसका ही, तो उसका पानी काफ़ी बेहतरीन है। ये क्या बना पड़ा है भाई साहब, हुई 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 बिरयानी बिरयानी, अरे बिरयानी बनी पड़ी है, तो पहले नमाज अदा करते हैं फिर जाके यानी आके खाएंगे बिरयानी। माशाल्लाह माशाल्लाह ला जी भाई भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं घर पे ही नेट के बगैर। ला तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।